हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी, और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन को इस रिश्ते को खोने का डर है, फिकर है उन्हें आपके कनेक्शन की। लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को इस रिश्ते को खोने का डर है, क्या इस रिश्ते की फिक्र है उन्हें, प्लीज गाइड मी। बहुत ज्यादा कार्ड स्लिप हो रहा है, इसका मतलब आपके जो पर्सन है वो इस वक्त में ना चीजों में बहुत ज्यादा फिसल रहे हैं। ठीक है, लाइफ में ऐसा है कि किसी भी चीज पर फिसल जा रहे हैं। सॉरो इन आवर वॉइस, क्रिएटर, ट्रैवलिंग, प्रोजेक्शंस, कॉन्शियसनेस, इनोसेंस, माइजर एंड थंडरबोल्ट, पॉलिटिक्स। ओके गाइस, सो हमारा जो सवाल है कि क्या उन्हें आपके कनेक्शन की फिक्र है या फिर आपको खोने से थोड़ा बहुत भी डर लगता है, बहुत ही क्लियर मैसेजेस आते हैं एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ही क्लियर मैसेजेस देने के लिए, वो बोलने के लिए जो बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है कि खोने के बाद ही तो पता चलता है कि खोना क्या किसे कहते हैं। ठीक है यार, पहले पता चल जाए तो इंसान खोए क्यों। ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि जो चीज जब मिलती है तब उसकी कद्र नहीं होती, अक्सर समय निकलने के बाद संबंधों का एहसास होता है, चीजों का एहसास होता है। सौरव कार्ड ये पहला ही कार्ड आया है जिसमें एक इंसान है जो मतलब आपको दिख रहा होगा, ये तस्वीर देख के ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बयां कर रही है कि इंसान क्या हालत होती है उसकी जब उससे कोई गलती हो जाती है, क्या हालत होती है उसकी जब वो कुछ ऐसा कर देता है जिस पर वो पछता सकता है सिर्फ, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, सो आपके जो पर्सन है पछतावे की एनर्जी में हमेशा निकल कर आ जाते हैं कार्ड्स में। ठीक है, और वो होना है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग जो आए हैं रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर ने उनके साथ जो कुछ भी किया है या जो भी उनके साथ गलती की है वो पछतावा तो उनको होगा 101%। ठीक है, ये तो लिखी बात है, किसी को थोड़ा जल्दी होगा, किसी को थोड़ी देर से होगा, बट होगा सबको ही, क्योंकि पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ। आपके साथ यू नो आपको अलग फेस दिखाया गया और अलग चीजें की गई। ठीक है, आप दुनिया में ना जैसे हो, ठीक है, इंसानों के साथ वैसे बोलो, मतलब आप अगर कुछ कर सकते हो तो बोल दो हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रॉमिस दो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो प्रॉमिस मत दो। आपके जो पर्सन है इन्होंने प्रॉमिस दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल फेसेस आए हैं जो ये बात करते हैं कि आपसे बोला कुछ और किया है और किया कुछ और गया है,
ठीक है, आप जो कर सकते हैं आप वो उस चीज की कमिटमेंट दें, ठीक है। आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में आ रहे हैं तो वही बोलें जितना आप कर सकते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी फ्रेंडशिप में, ठीक है। झूठ बोलकर रिश्ते नहीं बनाए जाते क्योंकि गंदे टूटते हैं उसके बाद। आपके जो पर्सन है इनको खोने का डर है या फिर आपके रिश्ते की फिक्र है। यहाँ पर ये जो मैसेज आता है ना प्रोजेक्शन का, ये मैसेज बात करता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको मिरर करता है, ठीक है, वो आपको मिरर करता है। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल आंसर देती हूँ मैं आपको। अगर आपके मन में, अगर आपके मन में इस रिश्ते को खोने का डर है, ठीक है, आपके मन में इस रिश्ते को खोने का डर है और आप खोने के डर में जीते हैं, ठीक है, तो आप यकीन मानिए आपके जो पर्सन है वो इसी चीज को मिरर करते हैं। ये कार्ड देखिए, आप प्रोजेक्शन का कार्ड है। ये कार्ड बात कर रहा है कि अगर आप खोने के डर में जी रहे हैं तो इसी चीज को ये पर्सन भी मिरर कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करा रहे हैं कि आपने इनको खो दिया है, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे प्रोजेक्शन का कार्ड आता है, ये कार्ड बात करता है कि आप ही के अंदर की कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर ये पर्सन ट्रिगर करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी से ट्रिगर होते हैं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से आपको बार बार ट्रिगर करते हैं। वो इसीलिए ट्रिगर करते हैं क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट है, उस पर हीलिंग की जरूरत है। आप अगर किसी को चाहते हैं तो आपको उसको फ्री छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। आप उसकी चीजों से अफेक्ट होना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आप अफेक्ट होना बंद कर रहे हैं, हो सकता है वो थर्ड पार्टी में जाना बंद कर दे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको ही मिरर कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर जेलसी है, क्योंकि आपके अंदर इश्यूज हैं, तो आपका पर्सन आपको दिखाई दे रहा है किसी और के साथ, तो आप चिढ़ रहे हो, ठीक है। आप जब कहते हैं ना कि जब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हैं, जब आप लव वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हैं और सबको आप अनकंडीशनल लव देने लगते हैं, ठीक है, आपके मन में किसी के लिए हेट्रेड नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है दुनिया जैसी भी है ठीक है, लेकिन सब खुश रहे हैं। जब आप इस एनर्जी में पहुंच जाते हैं, आप देखिए आपके आसपास की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जो लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते वो आपको इतना प्यार देने लगते हैं। आपका पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी से आपको बहुत ट्रिगर करता हो, सडनली आप देखें उसने थर्ड पार्टी में जाना ही बंद कर दिया, उसे थर्ड पार्टी से मतलब ही खत्म हो गया। ये क्या होता है, कुछ चीजें हमारे अंदर हो रही होती हैं जिनको यूनिवर्स किसी और के थ्रू मिरर कराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं, आपके अंदर की जेलेसी है जो बाहर निकल कर आती है। तो ये प्रोजेक्शन कार्ड बात करता है कि अगर आपके अंदर खोने का डर है इस पर्सन को, तो ये उसी चीज को मिरर करते हैं आपकी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन आपको ये चीज मिरर करेंगे तो इनको तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि वो तो खुश है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वो आपको कोई चीज मिरर कर रहे हैं तो यूनिवर्स उन्हें भी कहीं ना कहीं से कुछ चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो भी तकलीफ में वो भी होते हैं। बट ऐसा है कि हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमको ऐसा लगता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं है, सारी तकलीफ हमको है। उसको अलग तरीके की होगी, वो कुछ और उसके दिमाग में चल रहा होगा, जैसे आप नहीं बता पा रहे वैसे वो नहीं बता पा रहा होगा या बता पा रही होगी, पर चल दोनों के दिमाग में रहा है। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि ये चीज है, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड दिखा रहा है कि अगर ट्रस्ट इश्यू है तो ट्रस्ट अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं और आप ऐसा कहते हैं कि पर्सन भरोसे के लायक नहीं, तो वास्तव में वो आपको ऐसा प्रूव कर देंगे कि मैं भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। सो आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वही चीजें वहां रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ओके। अगर आप इसको इस रिश्ते को खोने से नहीं डरते, आपके मन में इस रिश्ते को खोने को मतलब इस पर्सन को खोने का कोई डर नहीं है और आपने इस पर्सन को फ्री किया है एंड आप अनकंडीशनल लव में हैं, ये पर्सन वही चीज मिरर करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स के पास है, तो मुझे व्यूअर्स से लेने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके अंदर क्या इश्यू है, आप जेलसी रखते हैं थर्ड पार्टी से, या फिर आपको इस पर्सन को खोने का डर रहता है, या फिर आप इस पर्सन को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत पॉजेसिव हैं। जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं आपके अंदर, वो सारी आपका स्पिरिचुअल पार्टनर निकाल कर बाहर रख देता है आपके सामने, क्योंकि वो कहता है कि ये कनेक्शन एक ट्रू कनेक्शन है, ट्रू लव है, जहां पर इन सारी चीजों, इन सारे इश्यूज का कोई काम नहीं। तो अगर आपके अंदर ये इश्यूज हैं तो ये सरफेस आएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग के पार्टनर्स उनको चीट भी कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ नेगेटिविटीज होती हैं, तो उनको भी रिलीज करना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्ड है इनर वॉइस एंड कॉन्शियसनेस, ओके, इनर वॉइस एंड कॉन्शियसनेस। देखिए कनेक्शन को समझने के लिए आपको अपनी मन की आवाज और अपने चेतना शक्ति को बढ़ाना होता है। हम क्या करते हैं, चीजों को सरफेस लेवल पर देखते हैं। सरफेस लेवल पर चीजों को तब देखा जाता है जब आप दोनों ही बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हो अपने ऊपर,
और बहुत बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान हो और आपके अंदर कोई कमियां नहीं हो ना हो, तब आप चीजों को सरफेस लेवल पर देखिए। क्योंकि अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी से ही अट्रैक्ट नहीं होंगे। एटलीस्ट ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपको सब कुछ पॉजिटिव ही देखने मिल जाए उस इंसान में। ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ नेगेटिविटीज भी होंगी, सो नेगेटिविटीज से इंसान डील नहीं करना चाहता, उसको लगता है सब कुछ पॉजिटिव हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर सब कुछ पॉजिटिव हो, आप पूरे 100% बिल्कुल पॉजिटिव इंसान हो, या फिर सब कुछ आपके अंदर सब कुछ पॉजिटिव हो, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना हो, तो आपको सामने वाले में वो चीज देखने को मिल सकती है। इनर वॉइस ऑन कॉन्शियसनेस बात करता है कि आप जिस तरीके का कनेक्शन बनाना चाहते हैं या फिर जिस तरीके का कनेक्शन देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी ही इनर वॉइस यानी अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना होता है और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होता है। जितना डीप आप चीजों को समझ सकते हैं, जितना डीप आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उतना ही आप शांत होंगे। जैसे आप देखिए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो बहुत शांति से बात करते थे। ये क्यों ऐसा शांत बात करते? क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई थी, इनको चीजें बहुत अलग स्तर पर समझ में आ रही थी जो लोगों को नहीं आ रही थी। तो जो ये बात बोलते थे ना, वो आधे लोगों के तो ऊपर से चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वो ठहराव था, इन्होंने वो ज्ञान हासिल किया हुआ था। आपके कनेक्शन में अगर आप चीजों को डीप समझते हैं तो आप इस पर्सन को सुन पाएंगे अंदर से। अदरवाइज सरफेस पे तो मैंने बता ही दिया कि वो क्या पकड़ के रखते हैं आपका, ठीक है। आपकी सरफेस पर वो आपकी नेगेटिविटीज को निकाल कर रखते हैं, आप उनकी नेगेटिविटीज को निकाल कर रखते हैं। और मैंने कई बार बोला है कि जब जब आप इंसान को वो दिखाएंगे जो वो नहीं देखना चाहता, तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपके पर्सन अगर आपको अंदर से सुनते हैं, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं और वो सुनने की कोशिश करते हैं जो आप उनके लिए फील करते हो, ऑफ कोर्स वो आपको वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, और आप भी उन्हें वैसा ही ट्रीटमेंट दोगे। यहाँ पर कार्ड है स्ट्रेस का एंड इनोसेंस का। देखिए, अगर आपको खोने का डर है इस पर्सन को, तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी खोने का डर आपको रहता है, ठीक है, ये भी आपको खोना नहीं चाहते। और यहाँ पर कार्ड है स्ट्रेस का एंड इनोसेंस का। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपका जो पार्टनर है, ये जब जब आपको तकलीफ देता है, तब तक खुद भी बहुत तकलीफ फेस करता है। यूनिवर्स आप दोनों के थ्रू ही एक दूसरे को मिरर करा रहे होते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। एक नार्सिस्ट और एक इम्पैथ जब आमने सामने आते हैं, तो नार्सिस्ट से यूनिवर्स ये समझा रहे होते हैं इम्पैथ को दिखाकर, देखो इम्पैथ के अंदर कितनी अच्छाई है, कुछ सीख लो उसकी अच्छाई से, तुम भी इतने अच्छे इंसान हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर भी ये क्वालिटीज है, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो। और जो इम्पैथ होता है ना, उसको यूनिवर्स नार्सिस्ट से मिलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, उससे थोड़ा सीखो कि वो अपने आप के बारे में कितना सोचता है या सोचती है, और तुम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तुम हमेशा इम्पैथ्स क्या होते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों को खुश करना चाहते हैं, वो अपने से पहले दूसरों के लिए करते हैं। तो इम्पैथ को ये सिखाई जाती है कि इतनी अच्छाई अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर ये इतनी अच्छाई अपने लिए भी रखो, मतलब अपने को भी इस तरीके से ट्रीट करो जैसे ये नार्सिस्ट करता है खुद को। तो मतलब यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के से मिला के कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, चीजों को ना सीखने की बजाय कनेक्शन को पकड़ता है और एक दूसरे को, क्योंकि दो अलग एनर्जीज के लोग हैं, एक नार्सिस्ट है एक इम्पैथ है, जब आमने सामने आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी एनर्जीज मिलती नहीं है। तो बार बार उनकी लाइफ में पहले स्टार्टिंग में, तो जब तक एम्पैथ बहुत दिए जा रहा है, नार्सिस्ट लिए जा रहा है, तब तक तो मजा आएगा। जब से एम्पैथ अपने बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, या फिर वो ड्रेन होना स्टार्ट करेगा, या फिर वो कुछ नेगेटिव दिखाना स्टार्ट करेगा, फिर नार्सिस्ट रन करते हैं। अब उन्हें आप अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि अब आपने उन्हें अपना दूसरा साइड दिखाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें जब तक आप दिए जा रहे थे, तब तक आप बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये चीजें होती हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आपके जो पर्सन है, ये आपको तकलीफ देने के बाद इनको भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि इनको थोड़ी ना यूनिवर्स पक्षे हुए है। एंड देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी एनर्जी, एक क्रिएटर एक माइजर, ठीक है। एक इंसान है जो बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्स से बहुत सारी चीजों को गेन करता है, बहुत पॉजिटिव रहता है, ऊर्जावान रहता है। दूसरा इंसान है वो थोड़ी सी चलाकी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपकी आपके कनेक्शन में ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांग मिररिंग है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नजर आता है मुझे कि बहुत स्ट्रांग मिररिंग है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपका पर्सन डरपोक है, वो आपको ऐसा प्रूफ कर देंगे कि मैं डरपोक हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि उसके बस की नहीं है, तो वो भी ऐसा मान लेंगे कि मेरे बस की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांग मिररिंग नजर आती है। एंड
अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा है तो आपको वो वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं आपकी चीज को मिरर कर रहे होते हैं और वो चीज पर ट्रिगर करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ट्रिगर और टॉर्चर में डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं जनरल में, तो ट्रिगर और टॉर्चर में डिफरेंस होता है। ट्रिगर करने का मतलब है कि इंसान ने आपको जो भी दिखाया उस पर आप, उसने इंटेंशनली दिखाया अनइंटेंशनली दिखाया, लेकिन आप फिर भी ट्रिगर हुए, ठीक है। टॉर्चर एक डिफरेंट चीज होती है जहां पर इंसान आपको मतलब सामने से आकर बहुत प्रताड़ना दे रहा है, उसे हम टॉर्चर बोलते हैं। सो टॉर्चर नहीं है ये ट्रिगरिंग है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पर्सन ने कोई स्टेटस लगा दिया और उसने वो किसी भी इंटेंशन से लगाया हो लेकिन आप ट्रिगर हो गए, तो ये ट्रिगरिंग होती है। टॉर्चर डिफरेंट चीज है, तो टॉर्चर को इससे कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि किसी का भी आप सहने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को अलग तरीके से ले लेते हैं और फिर किसी का टॉर्चर बर्दाश्त करें, ऐसा नहीं है। ये टॉर्चर की एनर्जी नहीं है, ये ट्रिगरिंग की एनर्जी है। मतलब ट्रिगर करता है आपका पार्टनर, आपको वो चीजें दिखा देता है जो आप देखना नहीं चाहते, ये वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गाइस आपको क्या है इस कनेक्शन को लेकर, जो आपके मन में है वही वहां पर मिरर हो रहा है, इसका आंसर यही है, ठीक है। अगर आपको फिक्र है, आपको खोने का डर है, आपको इस तरीके की जितना हाई वाइब्रेशन में आप हैं, आप ही समझ लीजिए कि इतना अच्छा आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन जितनी ही लो वाइब्रेशन में आप हैं उतनी ही बेकार एनर्जी इस पर्सन की आप मान सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, अगर आप तकलीफ में हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पर्सन भी तकलीफ में है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर आप टावर फेस कर रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि पर्सन को भी टावर जैसा ही फेस हो रहा है, ठीक है। अगर आपके मन में इस पर्सन को ईगो दिखाने की वो है कि आप ईगो दिखा सकते हैं, तो ये पर्सन भी आपको वही दिखा देंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत ईगो है तो पर्सन आपकी ईगो को मिरर कर देंगे, आपके अंदर बहुत गुस्सा है तो ये पर्सन आपके गुस्से को मिरर कर देंगे, ये चीजें नजर आ रही हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है तो ये पर्सन उस प्यार को भी मिरर कर देंगे, ठीक है। और अगर ओवर प्यार है आपके अंदर तो उस चीज को भी मिरर कर देंगे, तो ये यहां पर निकल कर आया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर आप ही के पास है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।